हाय गाइस, क्या आप उन लोगों में से हैं जो एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं बट बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है? तो फिकर की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं तीन ऐसे लैपटॉप जो अंडर 20,000 मिलते हैं। बट नोट गाइस, तो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिनकी रिक्वायरमेंट ये चार पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, वेब ब्राउजिंग। सेकेंड, मूवी देखना। थर्ड, ऑफिस डॉक्यूमेंट पे काम करना। एंड फोर्थ, पोर्टेबिलिटी। तो जल्दी से शुरू करते हैं, मगर उससे पहले, हाय गाइस, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 421 गैजेट्स। यहां पर हम बात करते हैं लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और उससे जुड़ी सभी एक्सेसरीज के बारे में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो आज का लैपटॉप जो हम पेश करने वाले हैं वो है असूस का ईबुक 12। ये इस कैटेगरी में आने वाला सबसे हल्का लैपटॉप है। तो जल्दी से इसके स्पेक्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें आपको सेलरन का प्रोसेसर मिलेगा 1.1 गीगाहर्ट्ज का, जो कि आपको टर्बो बूस्ट देगा अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज। 12 इंच की स्क्रीन है गाइज, हमारी लिस्ट में मिलने वाली ये सबसे छोटी स्क्रीन इसी में है, जो कि HD स्क्रीन है। 4GB की रैम आती है इसमें DDR3, 64GB इंटरनल है और विंडोज 10 मिल रहा है आपको इसमें। और प्राइस है 17,800, मतलब ऑलमोस्ट 18,000। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस कैटेगरी में मिलने वाला सबसे सस्ता लैपटॉप है, इसके साथ साथ ये बहुत ही अल्ट्रा थिन एंड लाइट वेट है, क्योंकि इसका वेट केवल 900 ग्राम है। बट इश्यू इसमें ये है कि फुल HD स्क्रीन नहीं देता है, ये आपको केवल HD स्क्रीन ही देगा, विच इज अ बमर। और अगर हम कैमरा की बात करें तो वो भी फुल HD नहीं है, इनफैक्ट HD भी नहीं है, आपको एक VGA कैमरा क्वालिटी वो देने वाला है। एंड ये वो पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा डिस्प्ले के बाद। और गाइस, अगर अभी भी आप इसको खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो भी असूस की बाय डिफॉल्ट एप्स आती है ना, उसको आप अनइंस्टॉल कर दे, तभी आपकी स्पीड थोड़ी बेटर होगी। तो चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है मैग्नम लाइट। किसका? अविटा का, अविटा मैग्नम लाइट। तो इसके स्पेक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका 2-in-1 लैपटॉप। तो इसमें आपको पिछले लैपटॉप की तरह सेलरन का प्रोसेसर मिल रहा है, वही सेम 1 गीगाहर्ट्ज का टर्बो बूस्ट अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज। इसमें भी वही सेम 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। बट इसमें आपको मिल रहा है फुल HD का डिस्प्ले, जो हमारा असूस था ना उसमें केवल HD डिस्प्ले था। तो बात कर लेते हैं इसके भी प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखिए, ऑल्दो ये बहुत चीप रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा स्टडी लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। कीबोर्ड अच्छा है, पर ट्रैक पैड में हो सकता है आपको इश्यू आए, कुछ लोगों को आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना रिस्क लेना पड़ेगा। और रही बात इसके पोर्ट्स की, तो इसमें आपको सारे पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि USB, मिनी HDMI, SD कार्ड स्लॉट, हेडफोन जैक, पावर स्लॉट एक्सेट्रा। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 5 से 6 घंटे का बैटरी लाइफ आपको दे देगी मॉडरेट यूज पे। बट आप इसको पोर्टेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि जो टैबलेट ना, उसका वेट ही इकलौता 1 किलो का है, वाइल कीबोर्ड के साथ ही आपको और हैवी पड़ेगा। वाइल जो अभी हमने इससे पहले असूस का ईबुक दिखाया था ना, वो पूरा 900 ग्राम का था। तो पढ़ते हैं हमारे तीसरे लैपटॉप की तरफ, एंड मेरा फेवरेट लैपटॉप, एंड जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट रिव्यू भी दिया है, जल्दी से उसको मैं गो थ्रू करवा देता हूं आपको। तो ये है आपका सेलरन N4000, जिसमें आपको 1.1 गीगाहर्ट्ज मिलेगा एंड टर्बो बूस्ट अप टू 2.6 गीगाहर्ट्ज। गाइस, इससे पहले जो पिछले प्रोसेसर था उसमें टर्बो बूस्ट अप टू 2.4 था, इसमें 2.6 है, एंड नंबर जितना ज्यादा होगा ना उतना अच्छा होगा। रैम की बात की जाए तो इसमें भी 4GB की DDR3 रैम है, लाइक प्रीवियस मॉडल्स। इसमें आपको जो मेमोरी मिल रही है वो 1.28GB की SSD मिल रही है। पहली चीज ये डबल दी मेमोरी है, दूसरी चीज उनमें जो मेमोरी मिल रही थी वो EMC थी, वाइल इसमें SSD है। SSD इज वे फास्टर एंड बहुत स्पीड देती है आपको। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। गाइस, ये भी उन दोनों से बड़ा है, वो 12 इंच के थे, ये 14 इंच का मिल रहा है आपको। एंड इसमें आपको मिल रहा है विंडोज 10 इन S मोड, और इसके बाद भी इसका प्राइस है केवल 18,990। और अगर आप कोई कार्ड वार्ड लाओगे तो हो सकता है आपको 15,000 या 16,000 तक इजिली मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में पूरा जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे डेडिकेटेड अविता एसेंशियल्स पर, तो आप ऊपर आई बटन में जा सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये केवल नॉर्मल यूज के लिए ही है। और गाइस, अगर आपका यूसेज कुछ अलग है जो कि लाइट यूसेज में नहीं आता, या फिर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन लैपटॉप्स को ना लेके एक हायर वेरियंट पे जाए। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, विच इज बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000, आप उसको जाकर जरूर चेक करें।
तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हमारी आज के इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो किसी काम की लगी हो तो एक लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी लैपटॉप रिलेटेड चीजें हम डालते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।